पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की ओर से शुरू की गई इंदिरा आवास योजना अब नए नाम और रूप से जानी जाएगी। केंद्र ने इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया है। बताया जा रहा है कि 2017 के अप्रैल महीने से इंदिरा आवास योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में तब्दील हो जाएगा। इस नई योजना के तहत सरकार ने 2019 तक 1 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा है। इंदिरा आवास योजना में केंद्र की 60 और राज्य सरकार की 40% की भागीदारी रहती है। पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्र सरकार 90%, तो वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में 100% का योगदान करती है। लेकिन अब नई योजना यानी प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र और राज्यों के बीच बजट वितरण का प्रावधान तो यही रहेगा, लेकिन अनुदान सीधे उन लाभार्थियों के बैंक खातों में जाएगा जो 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना के मुताबिक चुने जाएंगे। इसके साथ ही मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को 1,20,000 तो वहीं पहाड़ी इलाकों में रहने वालों को 1,30,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इंदिरा गांधी आवास योजना से पहले केंद्र सरकार कई योजनाओं से गांधी नेहरू परिवार का नाम हटा चुकी है, लेकिन नाम में क्या रखा है, जरूरी है जरूरतमंद लोगों को योजनाओं का सीधा लाभ मिले। देखते रहिए डीबी लाइव।